चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन रीड करो. वन एंड ऑफ मासलेस रोप विच पासेस ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली पी इज टाइड टू अ हुक सी. ये हुक है सी, ठीक है. व्हाइल द अदर एंड इज फ्री, ठीक है, ये वाला एंड फ्री है. मैक्सिमम टेंशन दैट रोप कैन बियर इज 360 न्यूटन. विथ व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम सेफ एक्सेलरेशन कैन अ मंकी ऑफ 60 किलोग्राम मूव डाउन ऑन द रोप. सबसे पहली बात कि अगर इसका मास है इस मंकी का 60 किलोग्राम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो तो 60 इंटू जी, एम इंटू जी, यानी 60 इंटू जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर दे तो 600 न्यूटन का लगेगा. तो अगर ये मंकी अगर रुका रहेगा तो रोप टूट जाएगी. सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो रोप है ये बियर कर सकती है 360 न्यूटन का. ये तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी अगर मंकी रुका रहेगा तो थ्रेड टूट जाएगा. लेकिन अगर वो ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो थ्रेड का टेंशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये बियर कर सकता 360. और अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, ठीक है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस पे सूडो फोर्स ऊपर लगेगा. एफ पी इज इक्वल टू एम इन टू ए, और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है एम इन टू जी. ग्रेविटेशन फोर्स एम इन टू जी नीचे लग रहा है. तो अगर मैं कहूं कि जो टेंशन स्ट्रिंग में होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी एम इन टू जी माइनस ए. नेट फोर्स जो लगेगा स्ट्रिंग पे वो एम इन टू इफेक्टिव एक्सेलरेशन तो जी माइनस ए ही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, सूडो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए होगा. अब ये वैल्यू जो है यही थ्रेड में टेंशन होगी, तो बियर कर सकता है ये थ्रेड यानी रोप 360 न्यूटन. तो 360 न्यूटन से ये वैल्यू कम होनी चाहिए या बहुत हो, तो बराबर हो एम इंटू जी माइनस ए से ये वैल्यू 360 जो है बड़ी होनी चाहिए या बहुत होगी, तो बराबर होगी. तो 360 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम की वैल्यू 60, जी की वैल्यू 10 कंसिडर करो, ए की वैल्यू आपको निकालना है कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे मूव करे जिससे कि ये रोप नहीं टूटनी चाहिए. तो इधर लाओगे तो 360 डिवाइडेड बाय 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस ए, जीरो से जीरो कटा, ये 6 गया, ए इधर जाएगा और 10 इधर आएगा, 10 माइनस 6 यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इस मंकी का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ होना चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.